morning, dear friends, and praise the Lord for this brand new day. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्य कहते हैं एक और नए दिन के लिए. God's faithfulness and mercy has seen us through the night and enabled us to see another sunrise. परमेश्वर की दया करुणा और कृपा की वजह से परमेश्वर ने हमें रात भर संभाला और आज की नए दिन को हम देख पाए. So with thanksgiving and praise, let us give few minutes to listen to His voice through His word. और इसलिए धन्यवाद देते हुए हम इस दिन की शुरुआत के कुछ पल को परमेश्वर के वचन और उसकी वाणी से सुनने में दें. We started a series of studies, meditation. From the book of Thessalonians, First Thessalonians. और हमने अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री से अपने मनन को शुरू किया था एक ऐसा अध्ययन जो हम कर रहे हैं. And last Saturday we concluded with this sentence. और पिछले हफ्ते का अंतिम मनन में जो कि शनिवार को था हमने ये कहते हुए समाप्त किया. Persecution has not deterred the Thessalonian believers. कीप सताव ने किसी भी प्रकार से थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को रोका नहीं. They received the word. उन्होंने उस वचन को ग्रहण किया. And continued to welcome it. और उसका निरंतर स्वागत किया. And welcome it with the spirit-given joy. और आत्मा के द्वारा दिए गए आनंद के साथ उसका स्वागत किया. That's where we closed. और वहीं पर हमने इसे समाप्त किया. Today I like to speak two more points. और आज की सुबह मैं दो और बातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं. And in our last meditation, the point was, in spite of severe suffering, they received the word. और हमारे पिछले मनन में हमने ये कहते हुए समाप्त किया कि थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों ने बड़े भयानक सताव में भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया. And today I like to meditate on they received it with the joy given by the Holy Spirit. और आज की सुबह मैं इस बात पर मनन करना चाहता हूँ कि इन्हीं विश्वासियों ने इस वचन का स्वागत किया उस आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए आनंद के साथ. This is a second reference to the Holy Spirit in two verses. और ये वो दूसरा बार जो है पवित्र आत्मा को लेकर ये बात कही गई है इस वचन के भाग में. The same Holy Spirit who gave power to those who preached the gospel. और वही पवित्र आत्मा जिसने सामर्थ्य दिया कि वो सुसमाचार का प्रचार करे. Gave the same joy to those who received it. उसको उन सब को वही आनंद भी दिया जिन्होंने उस सुसमाचार को ग्रहण किया. Here is Holy Spirit at work. और यहाँ पर हम पवित्र आत्मा को कार्य करते हुए देखते हैं. At work at both ends. और देखते हैं कि दोनों तरफ से वो कार्यरत है. इन द स्पीकर्स और बोलने वालों के द्वारा. एंड इन द हियरर्स और जो सुनते हैं उनमें भी. एंड वेयरएवर द गॉस्पेल गोज और जहां कहीं भी सुसमाचार जाता है. पीपल रिस्पोंड और लोग उसके प्रति एक उत्तर देते हैं. देयर इज जॉय वहां पर एक आनंद आता है. इट इज नॉट सरप्राइजिंग और इसलिए ये कोई जानने के लिए भौचक्का करने वाली बात नहीं. बिकॉज जॉय इज वन फ्रूट ऑफ द स्पिरिट क्योंकि आनंद आत्मा का एक फल है. नाउ दिस पैटर्न ऑफ आउटवर्ड ऑपोजिशन और ये तरीका जिसके द्वारा हम बाहरी रूप से सताव को देखते हैं. ऑपोजिशन टू द गॉस्पेल ऑफ Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर जो सताव किया जाता है. And there is an inward joy in those who believe. और एक भीतरी आनंद लोगों के पास आता है जो विश्वास करते हैं. This has been repeated in the long history of the church. और इस बात को हमने देखा है कि कई बार दोहराया गया है कलीसिया के एक लंबे इतिहास में. In spite of the problems, hindrances and persecution in hearing the gospel. और इसकी बजाय कितने भी परेशानियां चुनौतियां मुश्किलें रुकावटें आ जाएं उस सुसमाचार को सुनने में. Those who heard it nevertheless. लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों के पश्चात जिन्होंने उस सुसमाचार को सुना. They always experience an inward
joy which is given only by the Holy Spirit. उन्होंने हमेशा उस भीतरी आनंद को महसूस किया जो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया. So well, we thank God for the ministry of the Holy Spirit. और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का उस सेवकाई के लिए जो परमेश्वर ने. That's what we need, the Holy Spirit. और इसी कारणवश हमें पवित्र आत्मा का आवश्यकता है. Both to preach. ये प्रचार करने के लिए. And to hear. और सुनने के लिए भी. Now the third thing is, और जो तीसरी बात है, you became imitators of us and of Christ. और तुम हमारे और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने वाले और उसके अनुसार नकल करके वैसे ही बन गए. Please remember, he is writing to the Thessalonian believers. और कृपया करके इस बात को ध्यान रखिए कि पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को ये पत्र लिख रहा है. It is concerning them. और ये उनके विषय में है. Severe persecution they were facing. और बड़ा भयानक रीति से वो सताव का सामना कर रहे थे. But in the midst of it, with joy, they received the holy, received the message. इस सताव के बीच में भी बड़े आनंद के साथ उन्होंने उस संदेश को ग्रहण किया. And now a greater work of the Holy Spirit is. और यहाँ पर एक पवित्र आत्मा के और बड़े काम को हम देखते हैं. To enable these same believers who are going through persecution. To practice what they have heard. और वहाँ पर देखते हैं कि इस बड़े भयानक सताव के बीच भी इन विश्वासियों को वो करना था जो उन्होंने सुना उसके अनुसार वो अभ्यास करें या जिए. And so they became imitators of Paul, the apostle, and also Jesus Christ. और इसलिए वो पौलुस प्रेरित के और साथ ही साथ यीशु मसीह की नकल करके उनके समान जैसे बन गए. And that means they began to follow the example of the life and the teaching of the apostles. जिसका मतलब ये है कि वो प्रेरितों के जीवन और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके उनके अनुसार चलने लगे. And also of Christ and the disciples who were these were the followers of Jesus Christ. और साथ ही साथ चेलों के जो कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे. And they were his disciples too. और वे उसके चेले थे. And this is the real result of the gospel reception. और यही वो सच्चा परिणाम होता है जब सत्य रूप से कोई सुसमाचार को ग्रहण करता है. This kind of experience of the listeners of the word shows that they have with deep desire to hear the gospel, they gave full attention to it and they began to practice. और इसका मतलब यही है कि ऐसे लोग जब सुसमाचार को सुनते हैं वो बड़े ध्यान पूर्वक सुनकर उसे जीवन में ग्रहण करके उसके अनुसार बड़े गहरे कायलता के संग काम करते हैं. Now this kind of reception of the gospel is not merely a mental consent. और याद रखिए इस प्रकार से सुसमाचार को ग्रहण करना सिर्फ एक भावनात्मक रूप नहीं है. But the gospel truth causes a complete transformation of believers. लेकिन ये सुसमाचार की सच्चाई पूर्ण संपूर्ण रीति से एक विश्वासी को बदलती चली जाती है. How? कैसे? Through close association and following of Christ. लेकिन वो इस जरिए कि जब वो यीशु के संग बड़ी गहरी और नजदीकी रीति से जुड़ जाता है. We often think of imitation of Christ. हम कई बार इस बात को सोचते हैं कि कैसे हम यीशु की तरह बन जाएं या उसकी तरह चलें. But do not give much attention to Paul's often repeated instruction to imitate him. As he imitated Christ. लेकिन क्या हम उस पौलुस के उस निर्देश को नहीं याद करते जब हाँ पौलुस कहता है कि मेरे पीछे हो लो जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलता हूँ तुम मेरे अनुसार तुम भी मेरे पीछे हो लो. So the fourth message. और जो चौथा संदेश है. Is this. वो ये है. They became model believers. वो उदाहरण स्वरूप विश्वासी बन गए. Those who take Christ and his apostles as examples. जिन्होंने यीशु और उसके प्रेरितों दोनों को उदाहरण के तौर पर लिया. Or models. They take the apostles as models. और प्रेरितों को एक उदाहरण के रूप में लिया. They themselves
invariably will become models themselves. वो खुद अपने द्वारा भी दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे. The greatest joy of any pastor is to be able to talk about his members in this way. और इसलिए किसी भी पासवान का सबसे महान आनंद यही है जब वो अपने विश्वासियों के विषय में इस रीति से बात कर सके. And then in concluding this meditation, और इस मनन को समाप्त करते हुए, I encourage you to notice the four new relations. आप उन चार रिश्तों को मैं जानने के लिए आपको प्रोत्साहित करता हूँ. Number one, पहला, the opposition of the world. और जो संसार आपका सताव करता है. Number two, दूसरा, the joy of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का आनंद. Number three, तीसरा, the imitation of the Lord and of his apostles. कि किस रीति से आप परमेश्वर और उसके प्रेरितों के अनुसार उनका नकल करके उनके स्वरूप बन जाते हैं. And four, और चौथा, being a model to the rest of the church. कि आप दूसरी पूरी कलीसिया के दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण स्वरूप बन जाते हैं. If the preachers were marked by the truth, और अगर प्रचारक सच्चाई के द्वारा आए, conviction and power, और वो कायलता और सामर्थ, the converts were marked by joy, courage and obedience, तब वो जो मन परिवर्तन करते हैं वो आनंद सामर्थ और आज्ञाकारिता उनके जीवन में देखा जा सकता है. I close with this. मैं इसके साथ ये मनन समाप्त करता हूं. एक सवाल के साथ. How is the word is affecting your personal life as you listen? कि कैसे वचन आपके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर प्रभाव डाल रहा है जैसे आप उसको सुनते हैं. The Holy Spirit within you, वो पवित्र आत्मा जो आपके भीतर है, is it enabling you to listen carefully and then practice what you listen? क्या वो पवित्र आत्मा आपका सहायता कर रहा है कि आपको सशक्त बनाए कि आप वचन को सुनकर उसका अभ्यास अपने जीवनों में करें? I know you have no complaint against Jesus. अब मुझे पता है कि आपके पास यीशु को लेकर कोई शिकायत नहीं. So you naturally follow Jesus. और इसलिए स्वाभाविक रूप से आप यीशु के पीछे चलते हैं. But how about the speakers? लेकिन वक्ताओं के विषय में क्या कहें? When you listen to your pastor. जब आप अपने पासवानों की सुनते हैं, or any teacher who comes amongst, या कोई भी शिक्षक जो आपके पास आता है, are you also watching their life? क्या आप उनके जीवनों को भी देखते हैं? Can you see what they preached or taught in them? क्या आप उन बातों को देखते हैं जो वो सिखाते और प्रचार करते हैं उनके जीवनों में? My friends, that is important. मेरे मित्रों, ये बात महत्वपूर्ण है. And God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. As you live this day, जैसे आप इस दिन में जीते हैं, in the light of what you heard, इस ज्योति में जो आपने आज की सुबह सुना, this message is meant to transform you and change you to be imitators of Christ. और ये संदेश इसलिए है कि आपको वो भीतरी रूप से बदल डाले कि आप प्रभु यीशु मसीह के समान और उसके स्वरूप बनते चले जाएं. And I am aware that I am not with you amongst you to watch me. और मैं जानता हूं कि मैं आपके सम्मुख नहीं हूं शारीरिक रूप से कि आप मुझे देखें. But I tell you one thing. लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं. I've been serving the Lord in North India for the last 52 years. और मैं उत्तर भारत में परमेश्वर की सेवा को पिछले 52 सालों से कर रहा हूं. Established hundreds of churches. और हजारों की संख्याओं में मैंने कलीसियाओं की स्थापना करी. Established 2 Bible colleges. दो बाइबल संस्थानों का स्थापना किया. A number of village schools. और कई सारे गांव क्षेत्रों में हमारे विद्यालयों की स्थापना करी. And it is all done, I can say with confidence, only by the help of the Holy Spirit. और मैं बड़े हियाव और भरोसे के संग कह सकता हूं कि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा संभव हुआ. And I request you to pray for me again. और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए. I will continue to plant churches wherever if there is a need. मैं निरंतर उन कलीसियाओं को स्थापित करता रहूंगा जहां कहीं भी जरूरत होगी. Pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करें. Pray for my associates. और मेरे जो संगी पासवान हैं उनके लिए प्रार्थना करिए. That God will continue to use us. कि परमेश्वर हमें निरंतर हमारा प्रयोग करते रहे. And thank you for being a listener to these meditations. और धन्यवाद कि आप इन मननों को सुनने के लिए जुड़े रहे. And we will meet again on
थर्सडे और हम दोबारा बृहस्पतिवार को आपसे मुलाकात करेंगे। God's blessing be upon you. This is a great day. और परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो और ये एक महान दिन है। Walk with the Lord. परमेश्वर के संग चलें। Be in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में रहें। And let the Holy Spirit continue to bring joy to you. और उन्हें पवित्र आत्मा निरंतर आपके जीवनों में आनंद को लेकर आए। Thank you for speaking to us. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बात किया। We have heard in simple words and we understood. हमने बड़े साधारण शब्दों में आपके वचन को सुना और उसे समझा। Now may the Holy Spirit continue to strengthen us and enable us to walk. होने दे पवित्र आत्मा हमें निरंतर हमारी सहायता करे, हमें सशक्त बनाए कि हम उसके अनुसार चलें। Inspiring us to be imitators of a Christ. And those saints of God who are going ahead of us. प्रोत्साहित करते हुए कि हम दूसरों के लिए उदाहरण ठहरने पाए और उन्हें भी जो संत जो हमारे हमसे आगे चल रहे हैं उनके अनुसार चले। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen in Jesus name. यीशु के नाम में आमेन।